अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज आफी के अपने यूट्यूब चैनल यूनानी ज्ञान से। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आफी के अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज बात करेंगे दोस्तों माजून चोपचीनी के बारे में। स्टैंडर्ड यूनानी मेडिसिन है और बात करेंगे किन किन बीमारियों में काम में लाई जाती है, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इसका फॉर्मूला है, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारा YouTube चैनल यूनानी ज्ञान सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया दोस्तों तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि किस तरह की दिक्कतें होती हैं जिसमें काम में लाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, तो जान लेते हैं दोस्तों इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है और गर्म तासीर की जो दवाई होती है वो दर्द की बीमारी में बहुत अच्छा काम करती है, खून को साफ करती है। तो तासीर इसकी गर्म होती है, दर्द में काम में लाई जाती है, खून को साफ करती है और जोड़ों का दर्द को दूर करती है, मसल्स का दर्द, जॉइंट पेन, साइटिका का दर्द, किसी भी तरह का ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या बहुत तरह के जो इस तरह के जो जितने भी दर्द होते हैं उसमें सभी में काम में लाई जाती है। अक्सर जो यूनानी के जो हकीम लोग होते हैं वो इसे प्रेफर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि माजून चोपचीनी के ये दर्द की बीमारियों में काम में लाया जाता है। ब्लड प्योरीफायर है, फोड़े फुंसी में भी काम करती है, सुजाक में भी फायदेमंद है, यूरिक एसिड को भी कम करती है, बढ़ावा यूरिक एसिड हो उसको भी कंट्रोल में लाती है। और जो यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जल्द दर्द रहता है, बहुत सारी दिक्कतें उसकी वजह से होती हैं। दर्द की कुल मिलाकर देखा जाए तो दर्द की बहुत ही अच्छी दवाई है। हाथों पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन, किसी भी तरह का दर्द, कमर का दर्द, उसमें बढ़िया काम करती है माजून चोपचीनी के फॉर्मूला। इसके फॉर्मूले की बात करें तो जैसे कि इसके नाम से पता चलता है इसके अंदर चोप चीनी इस्तेमाल किया गया है, लौंग, जायफल, जावित्री, गुले सुर्ख, जाफरान, कुलंजन, जुर्मंद, नागर मुत्था, सौंठ, मिर्च, पीपल, अकरकरा, जदवार, सताई, इलायची, दारचीनी, मस्तकी, सुरंजान, बोजिदन, सना मक्की और सना मक्की, इंद्रजो और शहद के मिश्रण से इसे बनाया जाता है। इसके अंदर एक और सुरंजान है, हब्बे सुरंजान भी आती है और माजून सुरंजान भी, शायद मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ पहले भी, ये भी दर्द की बहुत अच्छी दवाई जो इसके अंदर इस्तेमाल की गई। जायफल, जावित्री, ये सभी जो फॉर्मूला देखा जाए तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, दर्द की बीमारियों में काम में अच्छा काम करता है। तो जो लोग दर्द की बीमारियों से परेशान है वो इसका इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमें कैसा लगा ये कमेंट भी कीजिएगा, नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। किसी दवाई के बारे में जानना चाहते हैं जो चैनल पर मौजूद नहीं है कमेंट कीजिए, जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।